किस किस शेर की तारीफ की जाए। बहुत ही अच्छे अच्छे शेर सुना दिए जनाबे तनवीर जौनपुरी साहब ने, और आपने भरपूर अंदाज में सुना। लोगों को ये शिकायत रहती है कि तरही कलाम नहीं सुना जाता। अरे जब शेर अच्छे रहेंगे तब तो कोई सुनेगा। अच्छे शेर पढ़िए, इंशाल्लाह मजमा जरूर सुनेगा। और अगर मजमा साइलेंट हो जाए तो इसका मतलब इशारा मिल रहा है कि आप मख्ता पढ़ के वापस चले आइए। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कभी भी किसी को बुला सकता हूँ। मुझे कभी ये पसंद नहीं आया कि क्या जो अच्छा शेर कहता है वो गुनहगार है, जो अच्छा पढ़ता है वो गुनहगार है। इतनी मेहनत करके उसने अच्छे शेर कहे, अच्छे नौहे कहे, तो उसका सिला यही होना चाहिए कि 4 बजे सुबह में पढ़ो बेटा। मैं इसको नहीं मानता। मैं एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूं। इस वक्त मुझे सज्जाद हल्लौरी को पढ़वाना था, लेकिन अहसन भाई चाहे जितना मुझे रोके मैं उन्हें अभी नहीं पढ़वाऊंगा। मेरा जिसका दिल कर रहा उसी को पढ़वाऊंगा। अब मैं बचपन में एक शेर सुनता था, बड़ा अच्छा शेर लगता था, लेकिन जब मैं उस शख्सियत से मिला तो मालूम हुआ कि जिस तरह वो शेर खूबसूरत कहते हैं उसी तरह उनका मिजाज भी खूबसूरत है, उनका दिल भी खूबसूरत है। वो शेर कौन सा था समाज फरमाइए, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था, और जब इनसे मिला तो सबसे पहले यही शेर मैंने सुनाया कि आपका शेर ये मैंने याद कर रखा है। समाज फरमाए, है अली का नामे नामी इस तरह कुरान में, है अली का नामे नामी इस तरह कुरान में, खूबसूरत दिल हो जैसे चेहरे इस्लाम पर। है अली का नामे नामी इस तरह कुरान में, खूबसूरत दिल हो जैसे चेहरे इस्लाम पर। और एक बहुत बड़ा ये मैटर था जिसको सिर्फ 2 मिसरों में, वो भी बहुत छोटे मिसरों में, इन्होंने पूरी बात पेश कर दी। यानी पूरा वो वाकया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला नमाज वक्त नमाज असर है, तो हम आप होते तो डांट देते कि हाँ तुम मुझे बता रहे हो वक्त नमाज असर है। इमाम ने क्या कहा कि खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे, ऐसी वक्त में तुमने नमाज को याद किया। उसके बाद दो मुजाहिद सामने खड़े हुए और तीरों की बारिश होती रही, इमाम नमाज अदा करते रहे। एक वक्त ऐसा था कि सवाल उठने लगा कि उन्होंने तो नमाज पढ़ी ही नहीं, सिर्फ इमाम के आगे खड़े रहे, तो गोया कि उनकी नमाज तो बाकी रह गई। जफर आजमी साहब ने इतने बड़े सवाल का 2 छोटे मिसरों में जवाब दिया कि नमाज़े ज़ुहर और नमाज़े सईद अरे कज़ा होते होते अदा हो गई। नमाज़े ज़ुहर और नमाज़े सईद कज़ा होते होते अदा हो गई। अब मैं उस शख्सियत को बुलाने के लिए अल्लामा जमील मजहरी साहब के एक मर्सिये के एक बंग से एक बैत हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाए, अल्लामा जमील मजहरी, देखिए इन्होंने भी पूरी बात समेट दी। जी जी, आपने वो बंद सुना है, मैं सिर्फ नीचे वाला पढ़ रहा हूँ 2 मिसरे से। अल्लामा जमील मजहरी, देखिए कितनी बड़ी बात थी। समाप्त फरमाए, जब उन्होंने सुना कि मर्सिया खां, नौहा खां मजलूम मजबूर जनाबे जैनब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल कर रहे थे मजबूर, तो अब उन्होंने उस मर्सिये में एक बैत कह दी। समाज फरमाए कितना जज्बाती और शायद दिल से कहा इन्होंने कि वक्त की बात जो पाबंद रसन है ज़ैनब, वक्त की बात जो पाबंद रसन है ज़ैनब, वरना
वक्त की बात। वक्त की बात जो पाबंदे रसन है ज़ैनब। वक्त की बात जो पाबंदे रसन है ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन है ज़ैनब। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ बरादरे बुजुर्ग आली जनाब जफर आजमी साहब करबलाई से गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। मोमिन के राम सलाम अलैकुम। इस जश्न की मुबारकबाद आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौला आप तमाम हजरात को सलामत रखे। बहुत अच्छी तरह से समाअत फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मिसरा जनाब कंबर साहब का है, एक मिसरा और किसी का है, नायाब भाई का है गालिबन। मैं कंबर साहब के मिसरे पे एक मतलब दो तीन शेर जल्दी जल्दी तहत में पेश करना चाहता हूँ, फिर दो तीन शेर दूसरे मिसरे पे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत जल्दी जल्दी चार पांच शेर। अपने हमराह लिए फतह ज़फ़र है ज़ैनब। अहले हिंद तशरीफ़ फरमा है, मुझे तहत में पढ़ना नहीं आता मगर कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाएँ। तज़मीन को मक्ता समझ लीजिएगा। मतलब पेश करता हूँ कि ये जो दुनियाए सितम ज़ेरो ज़बर है ज़ैनब, ये जो दुनियाए सितम ज़ेरो ज़बर है ज़ैनब, ये जो दुनियाए सितम ज़ेरो ज़बर है ज़ैनब, ज़ुल्म को तेरे इरादों की खबर है ज़ैनब। ये जो दुनियाए सितम ज़ेरो ज़बर है ज़ैनब, ज़ुल्म को तेरे इरादों की खबर है ज़ैनब। और मुलाहज़ा फरमाएं कि फातहे करबोबला है तेरा भाई, लेकिन ऐसन भाई नारे सलवात पढ़े। बारे दीगर बाबाज़े बलंद सलवात। ये जो दुनियाए सितम ज़ेरो ज़बर है ज़ैनब, ज़ुल्म को तेरे इरादों की खबर है ज़ैनब। और फातहे करबोबला है तेरा भाई, लेकिन शाम की फतह का सेहरा तेरे सर है ज़ैनब। शाम की फतह का सेहरा, मुलाहज़ा फरमाए जल्दी जल्दी, शाम की फतह का सेहरा तेरे सर है ज़ैनब। और मुलाहज़ा फरमाए कि शह को मालूम था होगा मेरा मकसद पूरा। शह को मालूम था, शह को मालूम था, शह को मालूम था, मेरी तरफ तवज्जो, शह को मालूम था होगा मेरा मकसद पूरा। शह को मालूम था होगा मेरा मकसद पूरा, करबला में मेरे हमरा अगर है ज़ैनब। भाई थोड़ा सा बेदार हो जाए। थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा बेदार हो जाए, मौला सलामत रखे, थोड़ा बेदार हो जाए। शेख को मालूम था होगा मेरा मकसद पूरा, करबला में मेरे हमरा अगर है ज़ैनब। और अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, उलमाए कराम और शोरा हज़रात अहले नज़र तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा उनकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। रदी भाई ख़ास तवज्जो से मुलाहज़ा फरमाए, पेन साहब देखेंगे शायद कोई बात हो। शोरा से ख़ास तवज्जो, करबला में मेरे हमरा, अहले इल्म से ख़ास तवज्जो और दाद भी चाहूँगा इस शेर पर। करबला में मेरे हमरा अगर है ज़ैनब, जो लहू से लिखी सरवर ने किताबे नुसरत। भाई अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, जो लहू से लिखी सरवर ने किताबे नुसरत, जो लहू से लिखी सरवर ने किताबे नुसरत,
मुफ्तदा जो लहू से लिखी सरवर ने किताबे नुसरत, अरे मुफ्तदा उसकी है सज्जाद, खबर है ज़ैनब। भाई अलैन तशरीफ फरमा है, मैंने शेर पढ़ा था, जो लहू से लिखी सरवर ने किताबे नुसरत, मुब्तदा उसकी है सज्जाद, खबर है ज़ैनब। और मुलादा फरमाए कि मुब्तदा उसकी है सज्जाद, खबर है ज़ैनब। और नोके नेजा की तिलावत में सितम यूं उलझा, नोके नेजा की, नौजवानों नोके नेजा की तिलावत में सितम यूं उलझा, अरे जुल्म ये देख न पाया कि किधर है ज़ैनब। नौके नेजा की, नौके नेजा की तिलावत में सितम यूं उलझा, नौके नेजा की तिलावत में सितम यूं उलझा, जुल्म ये देख न पाया कि किधर है ज़ैनब, जुल्म ये देख न पाया कि किधर है ज़ैनब। मौला सलामत रखें, मुलादा फरमाया आखिरी शेर, जुल्म ये देख न पाया कि किधर है ज़ैनब, खालिक़े नहजे बलागा की कसम आलम में। भाई बेताब भाई आपके मिजाज का शेर है, खालिक़े नहजे बलागा की कसम, खालिक़े नहजे बलागा की कसम आलम में, अरे कोई सानी नहीं जहरा का मगर है ज़ैनब, कोई सानी नहीं जहरा का मगर है ज़ैनब। खालिक़े नहजे बलागा के कसम आलम में, खालिक़े नहजे बलागा की कसम आलम में, कोई सानी नहीं जहरा का मगर है ज़ैनब, कोई सानी नहीं जहरा का मगर है ज़ैनब। और आखिरी शेर मौलाना फरमाए, इसे तज़मीन भी समझिए और मक्ता भी समझिए, कोई सानी नहीं जहरा का मगर है ज़ैनब, नोके नेजा की तिलावत में सितम यूं उलझा, अरे जुल्म ये देख न पाया कि किधर है ज़ैनब। और मौलाना फरमाए कि हाकिमे शाम को, हाकिमे शाम को देगी सरे दरबार शिकस्त, हाकिमे शाम को देगी, देगी हाकिमे शाम को देगी सरे दरबार शिकस्त, अपने हमरा लिए फतहो जफर है ज़ैनब, अपने हमरा लिए फतहो जफर है ज़ैनब। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखें। मौलाना फरमाए दूसरे वाले नायब भाई के मिसरे पर एक दो मतला दो तीन शेर पेश करता हूँ। मौलाना फरमाए बस इसी तरह से समाज फरमाते रहें, मतला पेश करूँ, इससे पहले एक सलवात पढ़ दें। बिला तमहीद, बिला तमहीद, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, जहाँ जहाँ मेरी नज़र देख रही आप हजरात, वहीं जहाँ वहीं से मतला मौलाना फरमाए। मरियम से भी बाला तेरा मेयार है ज़ैनब, पहला ही मिसरा बड़ा खूबसूरत पढ़ा मैंने। मरियम से भी बाला तेरा, मरियम से, मरियम से भी अब्बास अलमदार है,
हरे अब्बास। हुस्ने मतला पेश करता हूँ। तू फाहरे अब्बास अलमदार है ज़ैनब, तू फाहरे अब्बास। मुलाहज़ा फरमाएं हुस्ने मतला है। भाई थोड़ी तवज्जो दरकार है। हालांकि मसायब में गिरफ्तार है ज़ैनब, अरे लहजे में मगर है दर करार है ज़ैनब, लहजे में मगर करार है ज़ैनब। हज़रात ये शेर जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, मेरी दुआ है कि शेर के पस मंज़र में आप हज़रात पहुँच जाएँ तो कोई खामोश नहीं रहेगा। कैफियत है एक शेर में जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुलाहज़ा फरमाएं रज़ी भाई थोड़ी तवज्जो दरकार है। देखेंगे शहजान, देखेंगे बड़ा कीमती शेर अपनी समझ से, अगर पहुंच जाए तो दुआ सुनवा दिएगा। मुलाहज़ा फरमाए लहजे प्रिंस भाई तवज्जो चाहता हूँ। लहजे में मगर है दरे करार है ज़ैनब, चाहे सानी मिश्रा नौजवानों, चाहे तो अभी शाम में आ जाए कयामत, अरे बेमकना वो चादर सर दरबार है ज़ैनब, बेमकना वो चादर सर दरबार है ज़ैनब, बेमकना वो चादर सरे तो जिस शाम में सर नंगे फिराया गया तुझको, उस शाम की तू आज जमींदार है ज़ैनब, जिस शाम में सर नंगे फिराया गया तुझको, उस शाम की तू आज जमींदार है ज़ैनब, उस शाम की तू आज जमींदार है ज़ैनब। के लब खोले कोई कैसे, अरे तेरी मदहो सना में, लब खोले कोई कैसे तेरी मदहो सना में, सरापा तेरी गुफ्तार है ज़ैनब, कुरान सरापा तेरी गुफ्तार। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मकसद सरवर के तहफ़्फ़ुज़ में बना था, तवज्जो हज़रात दो तीन शेर और, जो मकसद सरवर के
तहफ़ुज़ में बना था उस दायरे की नुक्ते परकार है ज़ैनब, उस दायरे की नुक्ते परकार है ज़ैनब, उस दायरे की अर झोली मेरी डाल दे शब्बीर का सदका। अरे मशहूर अता में तेरी सरकार है ज़ैनब। और आखिरी शेर मुलारा फरमाए पैगाम, अरे गाफिल नहीं हो सकता नमाजों से कभी वो, गाफिल नहीं हो सकता नमाजों से कभी वो, जो भी तेरे भाई का आज़ादा गाफिल नहीं हो सकता नमाजों से कभी वो, जो भी तेरे भाई का आज़ादार है ज़ैनब, जिस शाम में सर न तुझको, उस शाम की तू आज जमींदार है ज़ैनब, उस शाम की तू आज जमींदार है ज़ैनब, दुश्मन इसे ताहश फना कर नहीं सकते। अरे शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब, शब्बीर के दुश्मन इसे ताहश्र फना कर नहीं सकते, शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब, मिदहत के लिए तेरी सरे बज़्म ज़फ़र भी। अरे एक चश्मे इनायत का तलबगार है ज़ैनब, एक चश्मे इनायत का तलबगार है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब। शुक्रिया।